देखो भाई, ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह बात हम सभी को मालूम है। इसलिए जब पेंसिल को आगे और पीछे दोनों तरफ से शार्प करने के बाद एक गिलास में पानी भर देते हैं और उसके अंदर इस दोनों पेंसिल को डाल करके 9 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलता है। बट वहीं अगर 9 वोल्ट के बैटरी के जगह डायरेक्ट 220 वोल्ट दें तो वेट, तब पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा तेजी से, क्योंकि एट द एंड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर पॉजिटिव पे ऑक्सीजन और नेगेटिव पर हाइड्रोजन जमा हो रहा है। तुम इसे बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत ही कस के करंट भी लग सकता है और ये पानी भी बहुत ही तेजी से गर्म हो जाएगा।